हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने ऑलरेडी चैप्टर वन जो है एनसीईआरटी का चैप्टर वन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर वन क्या था? मोशन। मोशन में हमने जो है क्या क्या पढ़ा था? वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सीलरेशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उनको कैसे अप्लाई करते हैं हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। मोशन किन लॉज पे वर्क करता है और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे कि जो मोशन हो रहा था, हमने मोशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी है, किसी कोई स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो किस वजह से मोशन में है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मोशन, दैट वी विल स्टडी हियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स के जो लॉ दिए हुए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट इस लेक्चर में हम लोग जो है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कवर करेंगे और उसके फॉर्मूले सेकेंड लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं हम वो देखेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे इनर्शिया के बारे में हम पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी हियर व्हाट कॉजेज मोशन। मोशन जो है किसकी वजह से होता है, क्या रीजन है मोशन का, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो व्हाट कॉजेज मोशन। जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, पहले इसको एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप बाइसिकल को ही लेते हैं, बाइसिकल राइड करते हैं, जैसे कि ये कोई बाइसिकल है, जस्ट कंसीडर कीजिए आप इसको राइड कर रहे हैं। तो बाइसिकल को चलाते टाइम, व्हेन यू स्टार्ट द व्हीकल, आपको क्या करना पड़ता है? पैडल मारना पड़ता है, फोर्स करते हैं, पैडल पे फोर्स लगाते हैं, तभी तो बाइसिकल आगे मूव होती है। इसका मतलब यू अप्लाई, क्या आप उसको पैडल को फोर्स, पैडल पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की वजह से ये साइकिल मूव करती है। दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, ये अभी कैसा है? रेस्ट कंडीशन में। अगर इसको मूव करना है तो क्या करेंगे? इसको पुश करेंगे इधर से, या इधर से इसको पुल करेंगे, पुल करिए या इधर से पुश करिए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एक बॉल रखी है, बॉल यहां पे रेस्ट पे है, अभी कैसी है? रेस्ट पे है। अगर इसको मोशन में लाना है तो क्या करते हैं? हम पैर से हिट करेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल, सी व्हाट कॉजेज मोशन, मोशन किसकी वजह से हो रहा है, व्हाट कॉजेज मोशन। यहां पे देखिए, पुश, पुल एंड हिट, ये क्या है? एक तरह का, दीज आर द काइंड ऑफ फोर्सेस। जब आप किसी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड से, इधर से भी क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे भी क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मींस देन पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, इट्स ए काइंड ऑफ फोर्स। किसी बॉडी को पुश करिए, पुल करिए या हिट करिए, तो क्या है? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इस फोर्स को आप कैन वी सी दिस फोर्स, देख सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट सी दिस फोर्स। अच्छा, टेस्ट कर सकते हैं क्या? टेस्ट में कैसा होता है ये फोर्स? क्या टेस्ट कर सकते हैं इस फोर्स को? नहीं, टेस्ट नहीं कर सकते। वी कैन फील इट, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये कर सकते हैं, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बहुत बार क्या होता है, जब आप किसी को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं किसी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं और पीछे से कोई पर्सन इस पे क्या करता है? पुश करता है, तो आपको फील होता है किसी ने फोर्स धक्का लगाया पीछे से, किसी ने पीछे से पुश किया। इसका मतलब यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो आप कर सकते हैं। देन इसका मतलब देखिए, अब मैं साइकिल का एग्जांपल, व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ बाइसिकल हियर। सी, जब आपकी बाइसिकल कभी कभी क्या रेस्ट पे होती है, जब आप चलाना सीखते हैं बाइसिकल को, देखा है तो आप बाइसिकल पे पहले चढ़ जाते हैं,
बाइसिकल पे पहले चढ़ जाते हैं और पीछे से बोलते हैं किसी को पुश करने के लिए, तो पुश करता है आपको बंदा, तो क्या होता है, पहले आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, आप रेस्ट पे होते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, आप कुछ वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल पहले आपकी वेलोसिटी जीरो थी, अब आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस फोर्स causes change in velocity. Force की वजह से क्या हुआ? Change in velocity. Velocity में क्या हुआ? Force causes change in velocity. और it also can change the, it also can change the direction. Change the direction, okay? So force can also change the direction. अच्छा, और क्या क्या force कर सकता है? Force, by applying the force, we can change the shape and size of an object. Shape and size of an object. ये कभी देखा है? Shape and size of an object कैसे change होता है? जैसे कोई wall लीजिए, कोई wall compress हो जाए, जैसे कंप्रेस वाली वॉल, तो क्या करते हैं, अगर इस पे दोनों तरफ से अगर फोर्स अप्लाई करें वॉल पे, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करें, दोनों हथेलियों के बीच में अगर इसको फोर्स करें, तो क्या हो जाता है, वॉल का शेप चेंज हो जाता है, शेप इसका चेंज हो गया। इसका मतलब फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप, फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप एंड साइज। साइज का अगर एग्जाम्पल देखें, अगर आपने स्प्रिंग देखा है कोई स्प्रिंग, ओके, साइकिल में यूज होता है कई जगह स्प्रिंग, ओके, इसको देखेंगे स्प्रिंग को, अगर पहले विदाउट कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्प्रिंग की लेंथ इतनी होती है, अगर इस पे फोर्स लगा दिया जाए इधर उधर से, खींच दिया जाए दोनों एंड इसके, तो क्या होता है, इसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब इट कैन चेंज द साइज आल्सो। पहले लेंथ मान लिया कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, बाद में लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो, ओके। नाउ वी विल सी हियर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं वो हम यहां पे स्टडी करेंगे, ओके। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बैलेंस, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, बैलेंस, व्हेन द बॉडी इज इन बैलेंस, बॉडी बैलेंस में है, बॉडी बैलेंस में है, मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक टेबल पे, मान लीजिए ये टेबल है आपकी, ये टेबल है आपकी, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है कोई, और इसको क्या कर दीजिए, इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से एक फोर्स लग रहा है, ओके, इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। मान लिया इधर से आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इधर से भी आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अच्छा बताइए, इस कंडीशन में ये बॉडी मूव करेगी क्या अपनी पोजीशन से, यहां से मूव करेगी? नहीं, ये मूव नहीं करेगी, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे इक्वल फोर्स है, 50 न्यूटन का इधर है, 50 न्यूटन का इधर है। इसका मतलब टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है इस पे, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स देखेंगे तो ये प्लस होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 50, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। तो टोटल फोर्स इसके 0 न्यूटन है, तो ये बॉडी मूव ही नहीं होगी, ये बॉडी रेस्ट में है, तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस्ड फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द बैलेंस्ड फोर्स इज द फोर्स विच, द फोर्स विच doesn't change, does not change the state of rest or of motion. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, the force which does not change, the force which does not change the state of रेस्ट और ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे थी, यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इसका
स्टेट, स्टेट मतलब जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में है बॉडी, रेस्ट में है बॉडी, रेस्ट में ही रहेगी। ओके, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या होता, तो बॉडी मूव ही करती रहती बैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में। अच्छा, ये यहां से क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर कि रेस्ट की कंडीशन में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपकी व्हीकल है और कोई व्हीकल जो है कितनी स्पीड से जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है मीन्स बैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स कितना है, जीरो है, कोई भी नेट फोर्स कितना है, जीरो है, तो उस केस में ये बॉडी जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो ये 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता है, कोई बॉडी एक बार 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर जा रही है तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रहेगी? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअल में हमारी, हम जो कोई भी व्हीकल मूव करती है उसमें ऐसी कोई व्हीकल ही नहीं है जिसपे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग ना रहा हो, ऐसी कोई व्हीकल नहीं है जो बिना फ्रिक्शन फोर्स के मूव करे, मतलब उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, देयर इज ऑलवेज सम फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मूविंग बॉडी। इसी वजह से क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी होती है व्हीकल की कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपकी बाइसिकल को पहले पुश किया जाए, पुश करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर उसके बाद में अगर पुश करने के बाद छोड़ दिया जाए, आप पैडल भी ना मारे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर में 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, इसकी वजह से जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाएगी। ओके, तो हमने यहां से बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स जस्ट बैलेंस्ड फोर्स का उल्टा, जस्ट अपोजिट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट पे इधर भी 50 न्यूटन लग रहा था, इधर भी 50 न्यूटन लग रहा था, अब क्या करते, मान लिया इस ऑब्जेक्ट पे इधर 30 न्यूटन लगाओ और इधर 50 न्यूटन ही रहने दो, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अब कितना लग रहा है, 50 - 30 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड मतलब बॉडी बैलेंस में नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों साइड से अनइक्वल लग रहे हैं, सो दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन क्या है, व्हिच डजंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर देखेंगे, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज द फोर्स व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन, जस्ट अपोजिट इसका, द फोर्स व्हिच डज नॉट की जगह क्या, डज नॉट को हटा दीजिए यहां से, द फोर्स व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, टेल मी वन थिंग, एनी फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसक्राफ्ट, जैसे स्पेसक्राफ्ट अगर देखें, स्पेसक्राफ्ट है मान लीजिए, स्पेसक्राफ्ट को अगर देखें, स्पेसक्राफ्ट क्यों, स्पेस में जो चलता है वो स्पेसक्राफ्ट, अगर उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड है, कितनी, 1000 मीटर पर सेकेंड है, अगर उसकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड है एंड दिस एयरक्राफ्ट इज इन स्पेस, तो क्या होगा, स्पेस में अगर आप यहां पे इसकी पावर ऑफ भी कर देते हैं, इफ यू स्विच ऑफ द पावर, स्विच ऑफ कर दीजिए इसकी पावर, तब भी वो कांस्टेंट स्पीड से 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में स्पेस में कोई भी उस पे एयर का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। एयर की वजह से क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो एयर की वजह से कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि स्पेस में क्या है, स्पेस में
एटमॉस्फेयर ही नहीं है, स्पेस में क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस, तो उसकी वजह से क्या है, उसपे एयर का जो ड्रैग फोर्स है वो भी नहीं लगेगा। जब ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी स्पीड जो है क्या है, यूनिफॉर्म बनी रहेगी। ओके, सो हमने जो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ लिया। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या होता है? अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का इफ वी सी द एग्जांपल्स, वी डेली सी इन द नॉर्मल डेली लाइफ आल्सो, हमको देखने के मिलते हैं इस तरह के एग्जांपल्स बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने टग ऑफ वॉर गेम खेला होगा। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रोप रहती है, दो टीमें रहती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो टीम होंगी, और वो क्या करते हैं, रोप को दोनों तरफ पुल करते हैं। तो जो टीम अपनी तरफ रोप को ज़्यादा खींच लेती है या दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेती है तो क्या होती है, वो विनर हो जाती है। लेकिन आपने इस गेम को कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि टग ऑफ वॉर में क्या होता है, ना तो वो टीम उस रोप को खींच पाती है, ना ही इधर लेफ्ट में खींच पाती है, ना ही राइट में खींच पाती है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में ना ही रोप इधर मूव कर पाती है, ना ही रोप उधर मूव कर पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रोप पे जो फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट से और राइट से, वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब टग ऑफ वार जैसे गेम होता है, टग ऑफ वार गेम में अगर हम देखें तो फोर्स किस पे लग रहा है, ये अगर रोप है आपकी, ये अगर रोप है तो एक टीम इधर है जो इसको खींच रही है और दूसरी टीम इधर है, वो इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इधर वाली टीम भी फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है और इधर वाली टीम भी फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मिडिल पोजीशन देखेंगे रोप की, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। ये पॉइंट देखेंगे ना, इट वॉन्ट मूव, ये मूव नहीं होगा, नाइदर इट विल मूव टू द लेफ्ट साइड, नाइदर इट विल मूव टू द राइट साइड। तो ये क्या है, This is the condition of balanced force. Okay? This is a case of balanced force. अच्छा, ये unbalanced कब हो जाता है? Unbalanced. For example, right वाली team ने 60 newton का force लगा दिया. Right वाली team. Now it is applying 60 newton force and this left side team जो है वो 50 newton force ही लगा रही है. तो ये rope जो है किधर move हो जाएगी? Right side में. क्योंकि इधर नेट फोर्स मतलब कैसे निकालेंगे, 60 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन तो कितना आ गया, 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 10 न्यूटन किधर, राइट साइड में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट साइड में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टीम जो है इधर की तरफ पुल कर लेंगे, ये लोग राइट साइड वाली टीम जो है लेफ्ट साइड वाली टीम को क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। तो ये राइट हैंड साइड वाली टीम जो क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी, ये टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। सो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कॉमन एग्जांपल है, हम देखते हैं हमेशा। ओके, दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, नेट फोर्स यहां पे क्या है, नेट फोर्स ही तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स इज क्लियर नाउ। सो नाउ वी विल सी द व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम उस चीज को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है फ्लोर पे, ये कोई फ्लोर है एंड देयर इज एन वन ऑब्जेक्ट, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, F, फोर्स क्या है F, अगर इधर अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं इस बॉडी पे, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी मूव नहीं करती है, इस बॉडी मूव नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मूव नहीं की, थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं फोर्स को, 15 न्यूटन लगाते हैं तब भी मूव नहीं करती है, फिर और 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो हो सकता है ये मूव कर जाती है। मान लिया 20 न्यूटन फोर्स लगाया और ये मूव हो गई, इसका मतलब इस पे हमने फोर्स लगाया अनबैलेंस्ड फोर्स 10 न्यूटन, फिर भी ये मूव नहीं हुई, मोशन नहीं हुआ, 15 न्यूटन लगाया फिर भी मोशन नहीं हुआ, 20 न्यूटन लगाने पे ये मूव हो गई, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स विच इज अपोजिंग दिस अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, उसको कोई फोर्स है जो अपोज कर रहा है, अगर अपोज नहीं करता होता तो 10 न्यूटन लगाने पे ही ये जो है बॉडी मूव करी होती, या 5 न्यूटन लगाते तब भी ये बॉडी मूव करती। क्यों? इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता, मोशन होता, किसी तरह का मोशन होता।
अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? रेस्ट से बॉडी से रेस्ट बॉडी को रेस्ट से किस में लाता है? मोशन में लाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स इज द फोर्स विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, मींस फ्रॉम द रेस्ट इट चेंजेस द स्टेट टू द मोशन विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। रेस्ट में है तो उसको किस में लेके आएगा? मोशन में लेके आएगा। रेस्ट में है तो उसको किस में लेके आएगा? मोशन में लेके आएगा। मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? वो क्या है? स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को क्या करता है? चेंज करता है। लेकिन इस केस में देखिए, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसमें मोशन ही नहीं हुआ। इस ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो है इस पे कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है? अपोजिंग फोर्स लग रहा है। जो कि आप जब शुरू में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो कोई इसको अपोज कर रहा था, पीछे की तरफ फोर्स। 10 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे थे तब भी जो है कोई फोर्स इसको अपोज कर रहा था, 10 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो उस अपोजिंग फोर्स को, दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। जो अपोजिंग फोर्स ही है किस बॉडी पे, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स कहां कहां आता है? एनी सरफेस, कोई भी सरफेस जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, इट ऑलवेज हैज द फ्रिक्शन। हमेशा हर किसी सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। कोई भी सरफेस को हम 100% स्मूथ नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक 100% स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। वी कैन नॉट मेक एनी सरफेस फ्रिक्शनलेस, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस हम उसको बना ही नहीं सकते। ओके, तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा। मींस और फ्रिक्शनल फोर्स लगता कहां है? फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा दो बॉडी जहां पे टच करती हैं एक दूसरे को, जहां पे दो बॉडी टच करती हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस सरफेस जो है बीच में, जहां पे दोनों बॉडी टच कर रही हैं एक दूसरे को, उस सरफेस पे लगता है क्या? लगता है फ्रिक्शन फोर्स। उस सरफेस पे क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक कोई भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के लगने के लिए दो बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहां पे ऑब्जेक्ट और फ्लोर जो है क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में तो आपसे सुना होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तभी तो ट्री, जो कोई भी ट्री है उससे जो है कोई फल वगैरह नीचे गिरता है तो क्या है, फल जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो नीचे गिर गया। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। बिना कांटेक्ट में होते हुए भी फोर्स लगता है जो, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स है। अच्छा, और भी फोर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है? जैसे कि दो चार्ज हो, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये थोड़ी डिस्टेंस पे है फिर भी इनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। दो सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव, मतलब एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं इस तरह के, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मालूम पड़ गया। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द इंटरफेस एंड इट इज ए अपोजिंग फोर्स। इट इज ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। हमेशा मोशन के अपोजिट में वर्क करता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जब हमने 20 न्यूटन अप्लाई किया यहां पे इस साइड में फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 20 न्यूटन से कम है,
में भी हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन रहा हो। फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन रहा हो वो किस डायरेक्शन में लग रहा हो, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर इस बॉडी को देखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से, हमने अप्लाई किया फोर्स 20 न्यूटन और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 16 न्यूटन। तो अब इस कंडीशन में देखेंगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन माइनस 16 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है फोर्स न्यूटन, दैट्स व्हाई द बॉडी इज मूविंग, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इस केस में 15 न्यूटन में क्यों मूव नहीं कर रहा था, अगर 15 न्यूटन इधर लग रहा होता तो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 15 न्यूटन से ज्यादा है, इसीलिए बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा फोर्स, तभी बॉडी जो है मूव करेगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया, ओके ये क्लियर हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ एक्चुअली किसने बताया फर्स्ट लॉ के बारे में, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वाज वन साइंटिस्ट नोन एज गैलीलियो। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, बहुत ही महान वैज्ञानिक था, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, जिसने बहुत सारी चीजें फिजिक्स में दी और ऐसी चीजें दी जो कि मतलब बहुत पहले जिनके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी। इवन उसने बताया, गैलीलियो ओनली टोल्ड कि द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गैलीलियो ही था जिसने सबसे पहले बताया था। और उस समय तक क्या था, लोग जो है, लोगों के अंदर एक बिलीफ था, वो क्या मानते थे कि जो है अर्थ जो है सेंटर में है, अर्थ सेंटर में है और बाकी सन वगैरह इसके, सन और अदर प्लेनेट्स जो है क्या है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अर्थ को मानते थे सेंटर में है, अर्थ जो है फिक्स है, अर्थ मूव नहीं कर रही है, जब तक गैलीलियो ने ये चीज नहीं बताई थी। गैलीलियो ने ही बताया था कि ऐसा नहीं है, द सन इज इन द सेंटर, सोलर सिस्टम में सन जो है क्या है सेंटर में है और हम जो है किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, अर्थ और अदर प्लेनेट्स जो है किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, इस सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। उस समय जो है बहुत ज्यादा बिलीफ था लोगों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास टाइप का था और ये मानते थे कि अर्थ जो है फिक्स है, इसीलिए बहुत लोगों ने इसको, इसकी बातों का अपोज किया, बहुत लोगों ने इसको बुरा वाला कहा, इवन इसको पनिशमेंट भी, आई थिंक ही वॉज गिवन सम पनिशमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट, जब उसने ये स्टेटमेंट दिया था ही वॉज गिवन सम पनिशमेंट ऑल्सो। तो देखिए गैलीलियो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसने जो है इसके बारे में, इवन फर्स्ट ला जो ड्राइव हुआ है ना वो गैलीलियो ने ही जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे गैलीलियो ने ही बताया था, जहां से ये न्यूटन ने फर्दर स्टडी की और उस जो है फर्स्ट ला, वहां से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वहां से ड्राइव हुआ। तो गैलीलियो ने बताया क्या था, हम पहले उसको देखेंगे कि गैलीलियो ने एक्चुअली क्या बताया था और फर्स्ट लॉ में क्या चीज गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक ओके। तो गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था पहले हम वो देखते हैं। गैलीलियो ने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन पे, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, और एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लिया, इसको मान लीजिए दो इंक्लाइंड प्लेन है, ओके दो इंक्लाइंड प्लेन है और उसने इंक्लाइंड प्लेन पे एक वॉल ली, स्मॉल वॉल थी, ग्लास की मान लीजिए, ग्लास वॉल है, छोटे से जो कंचे बोलते हैं कंचे टाइप की एक वॉल थी, ओके। तो उसने क्या किया, यहां से उसको ड्रॉप किया, यहां से छोड़ दिया इस वॉल को, तो क्या हुआ, उसने ऑब्जर्व किया कि इसकी स्पीड जैसे वो नीचे आती है वॉल, यहां से जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और यहां पे आके स्पीड मैक्सिमम हो जाती है उसकी। अच्छा ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इस वजह से क्या है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां पे आके मैक्सिमम हो जाती है। और उसने जो सरफेसेस ली थी, जो सरफेसेस यहां पे ली हैं, उनको मान के चला है कैसी है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है,
प्रैक्टिकली तो ऐसा प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट एनी सरफेस कैन बी फ्रिक्स कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस. नो, कंप्लीटली स्मूथ हो ही नहीं सकती, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जरूर रहेगा क्योंकि किसी भी सरफेस को कंप्लीटली स्मूथ बना ही नहीं सकते आप. ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इंक इस पे स्टिक कैसे करती. तो उसने क्या किया, ग्लास को यहाँ से जो है वॉल को यहाँ से ग्लास वॉल को जो है ड्रॉप किया. ड्रॉप करने के बाद में उसने देखा कि ये वॉल जो है यहाँ से नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाती है. ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है और सेम हाइट का है. दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है किस साइड का, सेम हाइट का है. तो यहां से यहां तक बॉल जाती है और ये पहले स्ट्रेट ट्रेवल करती है यहां से यहां तक, फिर उसके बाद में फिर ये ऊपर जाती है और ऊपर जो है ये सेम हाइट तक जाती है. ऊपर की साइड तक जाती है, सेम हाइट तक ये ट्रेवल करती है. मतलब कहने का, पहले ये किस स्टेट में थी, पहले ये एच हाइट पे थी. फॉर एग्जाम्पल ये हाइट मान लो कितनी थी, एच थी. फाइनल किस स्टेट पे पहुंची है ये बॉडी, फाइनल भी जो है एच हाइट पे आ गई. ठीक है, एच हाइट पे आ गई. अगर 100% स्मूथ है तो ये एच हाइट पे रीच कर जाएगी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बॉडी जो है जिस स्टेट में थी, इनिशियल स्टेट जो थी बॉडी की, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट जो थी, जिस स्टेज में पहले थी बॉडी, उसी स्टेट में बाद में भी पहुंच गई वो, और ये क्या करती है, फिर यहां पे आई, फिर इधर गई, फिर यहां पे आई, फिर इस साइड पे, फिर यहां पे, इस तरह से ऊपर नीचे सेम हाइट पे आती जाती रहती है. इसका मतलब क्या है, ये फाइनली जो है ओरिजिनल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट जो थी, स्टेट जो पहली वाली स्टेट थी, उसी को क्या करना चाह रही है, उसी को मेंटेन करना चाह रही है. जो स्टार्टिंग स्टेट थी उसी स्टेट को गेन करना चाह रही है बॉडी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब उसने क्या किया, तो उसी स्टेट को ये मेंटेन करना चाह रही है. उसने फिर क्या किया, बहुत सारे इंक्लाइंड प्लेन लिए अलग अलग एंगल पर. ठीक है, अलग अलग एंगल पर इस तरह से लिए, कुछ इस तरह से लिए, कुछ इस तरह से लिए. ठीक है, मान लिया पहले ये यहाँ पे तो ये एंगल सेम था, अब ये एंगल मान लिया डिफरेंट है. ओके, ये एंगल मान लिया 45 है और ये एंगल जो कितना है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 15 है और ये एंगल 10 डिग्री है. तो क्या हुआ, सेम उसने डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फिर से करके देखा, इस सेम चीज को करके देखा, तो क्या हुआ, उसने देखा कि ये क्या करती है, ये बॉडी, ये जो है जो वॉल है, फिर से उसने यहां से क्या किया, इसको ड्रॉप किया और ये जो है फिर से उस हाइट पे और तब तक ट्रेवल करती. फिर से क्या करेगी, फिर से ये यहां पे आती है, फिर ट्रेवल करना शुरू करती है ऊपर की तरफ को और तब तक ट्रेवल करती है जब तक कि सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाती. कब तक ट्रेवल करती है, जब तक कि सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाती. ऐसे ही इस वाले प्लेन पे उसने ट्रेवल कराया, इस वाले प्लेन पे ट्रेवल कराया तो देखा कि तब तक ट्रेवल करेगी जब तक कि सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाती. इस वाले प्लेन पे ट्रेवल कराया तो देखा कि ये देखो ये तो यहां पे जाके सेम हाइट पे पहुंच गई है. ओके, इसका मतलब देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन इस वाले प्लेन में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल द प्लेन्स आर डिफरेंट. इस वाले प्लेन पे देखिए ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉल ने, इस वाले प्लेन पे देखिए इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉल ने. जब एंगल और कम कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गई, बढ़ गई. बट अगेन इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल मतलब इनिशियल स्टेट, नाउ ऑल्सो द वॉल इज ट्राइंग टू मेंटेन द इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट मीन्स सेम हाइट. इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द सेम हाइट. तो उसने क्या यहां से कंक्लूड क्या किया यहां से, इसका मतलब कोई भी बॉडी है जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, भले ही चाहे उसे डिस्टेंस कितनी भी ट्रेवल करनी पड़ रही है. देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस इज लेस, इन दिस केस इट इज मोर, इन दिस केस इज वेरी हाई. देन ऑल्सो द वॉल इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो गैलीलियो ने किया था,
किसने किया था? गैलीलियो ने, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे गैलीलियो। इन्हीं के उन चीजों से जो है न्यूटन्स ने फर्दर स्टडीज की, इन्हीं के उनसे जो है न्यूटन्स ने फर्दर स्टडीज की, और जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो मिला था वो यहीं से गैलीलियो के ही जो है एक्सपेरिमेंट्स थे जहां से निकाला गया था। फर्स्ट लॉ क्या है अब देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। ए ऑब्जेक्ट रिमेंस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ए ऑब्जेक्ट रिमेंस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिमेंस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा और इट विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनलेस ए फोर्स और एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो इस चीज को जैसे क्या, कोई वॉल है, ग्राउंड है ये, और इस ग्राउंड पे कोई वॉल पड़ी है, क्या ये वॉल अपने आप मूव कर सकती है, क्या अपने आप इधर चली जाएगी, क्या अपने आप इधर जाएगी, क्या? नो, इट विल नॉट गो, जब तक कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तुम लेग से इधर हिट करोगे तो बॉल ये आगे की तरफ मूव करेगी, इसका मतलब जब तक इस पे फोर्स नहीं लगाओगे ये मूव करना नहीं चाहेगी। ओके, इसका मतलब पहली लाइन इसकी क्लियर होगी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और अंटिल अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कि इसको जो है मजबूर नहीं किया जाता है अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, अप्लाइड फोर्स मतलब किसी फोर्स, किसी अप्लाइड फोर्स से जब तक इस पे नहीं अप्लाई किया जाता तब तक ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे, यहाँ से बॉडी क्या थी, ये वॉल जो थी यहाँ से ड्रॉप की गई थी, अब वो देखिए सेम हाइट पे आ रही है, इसका मतलब इट इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट मीन्स द इनिशियल स्टेट, दिस बॉडी वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेम स्टेट। तो इसमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या निकला है, इसका मतलब बॉडी जो है क्या है, जो स्टेट है उसी को चाहती है मेंटेन। जैसे कि अगर ये वॉल है इस तरह से और ये वॉल इस फ्लोर पे, मान लीजिए फ्लोर कैसा है, स्मूथ फ्लोर है, कंसीडर कर लीजिए स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर है, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है पूरी, ये वाली सरफेस स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर मतलब फ्रिक्शन लेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, तो इस केस में अगर ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती रहेगी अंटिल अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर हम इधर से हैंड अपना लगा देंगे, इधर से फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे हम बताते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्या रहता है, व्हेन यू ट्रैवल इन ए बस, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, और फॉर एग्जांपल आप बस में इधर खड़े हुए हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे खड़े हुए हैं, और बस वाला जो ड्राइवर है ही अप्लाइज द ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई करता है। ओके, तो होता क्या है, जब ये मान लिया ब्रेक जो स्पीड है बस की वो मान लीजिए कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बस जा रही है, और वो सडनली क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है तो व्हाट हैपेंस कि हमको क्या लगता है, सडन झटका महसूस करते हैं, वी फील इम्पल्स लगता है, झटका लगता है, और हमारी जो बॉडी है ये वाली बॉडी ऊपर की बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, इट विल बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था, फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है अंटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता। देखिए ये बॉडी है, ये हमारे जो पैर हैं वो तो बस की सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बस वाली सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे तो जर्क नहीं लगता है, यहाँ पे जर्क नहीं लगता क्योंकि क्या है,
ये इसके कांटेक्ट में है। अगर बस में ब्रेक लगेंगे तो हमारे पैरों पे भी एक तरह से ब्रेक लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमें इम्पल्स महसूस नहीं होगा। लेकिन ये वाली बॉडी जो है ऊपर की बॉडी जो है उस पर क्या होगा, वो क्या चाहेगी अभी, क्योंकि वो मोशन में है, 50 किलोमीटर पर आवर से बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि बस मूव कर रही है तो भाई आप भी मूव कर रहे हो। ये बस अगर 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो इसका मतलब हम भी 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है ये भी चाहेगी 50 किलोमीटर पर आवर से हम मूव करते रहें। ये बॉडी क्या चाहेगी, इट विल रिमेन टू कीप यूनिफॉर्म मोशन, रिमेन टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन बाय 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसको इम्पल्स लगता है, क्योंकि ये बॉडी ये अब भी आगे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन ब्रेक लगने की वजह से क्या लगता है, इम्पल्स लगता है। तो ये आगे जाना चाह रही है, लेकिन ये बॉडी क्या है, आगे जाना चाह रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ब्रेक की वजह से नहीं जा पाएगी, इसीलिए हमें इम्पल्स महसूस होता है। अच्छा, सेम कंडीशन अगर बस में अगर आप बैठे हों सीट पे, ये सीट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर आप बैठे हैं इस बस में, ठीक है, सीट पे बैठे हुए हैं, और क्या है, पहले बस जो है रेस्ट में है, और ड्राइवर क्या करता है, इसको स्टार्ट करता है, बस को स्टार्ट करता है, तो हमें महसूस होता है क्या, इम्पल्स, तब भी हमें इम्पल्स महसूस होता है। कैसे महसूस होता है, तब हमें जो है पीछे की तरफ इम्पल्स लगता है बॉडी में। कैसे लगता है पीछे की तरफ, झटका, जब बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी जो है पीछे की तरफ जाती है। क्यों, हमारी बॉडी जो है क्या चाहती है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, बस जो है रेस्ट में है तो मैं भी रेस्ट में रहूं। हमारी बॉडी चाहती है अभी मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूं, मैं मूव ना करूं, आई डोंट वॉन्ट टू मूव। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या कर दिया उसने, ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट करने पे क्या होता है, इंजन स्टार्ट होने से क्या होता है, पिस्टन रन होने की वजह से क्या होता है, पावर जनरेट मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है आगे व्हील्स पे फोर्स लगने लगता है। इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लगने लगा, इसी वजह से क्या हो गया, अब वो क्या होगा, बॉडी पे इम्पल्स लगेगा। वो तो रेस्ट में रहना चाह रही थी, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो रेस्ट में थी बॉडी, अब रेस्ट में नहीं रहेगी, अब वो चली जाएगी, इसीलिए इम्पल्स आपको महसूस हुआ। वो बॉडी नहीं चाहती थी कि आप मोशन में हों। ओके, तो ये हमने दो एग्जांपल देख लिए। बस में अक्सर आपको फील होता होगा, बहुत सारी बार ये चीज़ महसूस की होगी। ये हमें सेम चीज़ जब हम बाइक पे अगर पीछे बैठे होते हैं तो हमें महसूस होती है। जब बाइक वाला ब्रेक लगाता है, जो ड्राइवर रहता है बाइक पे, ड्राइव करता है बाइक को, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी बॉडी पे क्या लगता है, ऊपर वाली बॉडी पे आगे की तरफ फोर्स लगता है, और जब वो बाइक को स्टार्ट करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है। ओके, तो ये होता क्यों है, दिस टेंडेंसी, यहां से एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और टू मेंटेन यूनिफॉर्म मतलब सेम वेलोसिटी is known as inertia। इस tendency को, इस property को, जो कि कौन सी property, rest में रहने की और uniform motion maintain करने की और uniform velocity maintain करने की property, ये tendency को ही बोलते हैं inertia। ये बहुत ही important property है inertia, इसी को क्या बोलते हैं हम, इनर्सिया, मतलब इस बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ इनर्सिया है, इनर्सिया की वजह से ही वो जो है बॉडी किसमें, आइदर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना चाहती है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द
इनर्सिया। अब हम यहाँ से इनर्सिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इनर्सिया के बारे में बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। तो हम यहां से इनर्सिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी, इट इज ए नेचुरल टेंडेंसी, इनर्सिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब वही हमने यहां पर समझाया कि वो उस टेंडेंसी जो है उसकी रेस्ट में रहने की या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी इज नोन एज इनर्सिया। मतलब तो हम उसको अगर डिफरेंट वे में बोलना चाहें तो इनर्सिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, मतलब उस चीज को रेजिस्ट करने की, जो रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करने की नेचुरल टेंडेंसी। रेजिस्ट मतलब अपोज करने की, अपोज मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इनर्सिया। अगर वो मोशन में है बॉडी तो मोशन में रहना चाहती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इनर्सिया। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल है, ठीक है, वॉल है यहाँ पे रेस्ट में है, वॉल यहाँ पे रेस्ट में है तो वो क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्सिया। अगर वो वॉल कोई मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर पर सेकेंड से अगर वॉल जा रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया की वजह से। ओके, अच्छा एक चीज यहां पे आती है, इनर्सिया जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्सिया डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये वॉल, अगर वॉल की जगह अगर हम बॉक्स ले लें, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और अगर ये बॉक्स 50 केजी का है और एक बॉक्स छोटा है वो 10 केजी का है, कितने का है, एक बॉक्स बड़ा है 50 केजी का और एक बॉक्स जो है छोटा 10 केजी का, किसको मूव करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? किसको मूव करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? 50 केजी को, ऑब्वियस है, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास 50 केजी है और इसका मास जो है कितना है, 10 केजी है, तो 10 केजी वाले को आसानी से मूव कर सकते हैं कंपेरेटिवली 50 केजी। लेकिन पता है क्यों होता है ये? यहाँ पे जो इनर्सिया है बॉडी का, इनर्सिया जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये इनर्सिया की वजह से ही तो रेजिस्ट कर रही है मोशन को, रेस्ट की स्टेट। अभी ये रेस्ट में है तो रेस्ट में आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं, रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो ये अपोज करेगा, अपोज किसकी वजह से करेगा, इनर्सिया की वजह से करेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनर्सिया जो 50 केजी का जो है, इनर्सिया ऑफ 50 केजी ऑब्जेक्ट इज मोर देन 10 केजी ऑब्जेक्ट, इट इज मोर देन 10 केजी ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई अगर रेजिस्ट किसकी वजह से कर रही है, ये रेस्ट में है होने के बावजूद इस पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट किसकी वजह से करती है, बॉडी, इनर्सिया की वजह से। तो इसका मतलब 50 केजी में जो इनर्सिया है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली 10 केजी के। तो इनर्सिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्सिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, अगर मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट का तो इनर्सिया भी ज्यादा होगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाया। ये सिंबल किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इनर्सिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनर्सिया जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब
हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर द इनर्सिया, हैवियर द ऑब्जेक्ट, हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर इज द इनर्सिया। जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतना ही इनर्सिया उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से ये मालूम पड़ गया इनर्सिया क्या प्रॉपर्टी होती है इनर्सिया की, और इनर्सिया का मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट, सेम अगर यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा है इसको, कि यहाँ पे देखिए रेस्ट में है बॉडी और मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। सेम अगर ये बॉल यहाँ पे, ये कोई बॉल है और ये 10 केजी की बॉल है और ये 5 केजी की बॉल है, 5 केजी की बॉल है, अगर ये बॉल जो है 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये बॉल भी 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, किसको स्टॉप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? 10 केजी वाली बॉल को। किसको? 10 केजी वाली बॉल को स्टॉप करने के लिए यू नीड मोर फोर्स, इसको स्टॉप करने के लिए यू नीड लेसर फोर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्सिया, क्योंकि ये हैवी बॉल है, बॉल हैवी है तो इसका इनर्सिया ज्यादा होगा, इनर्सिया ज्यादा होगा तो इसका यूनिफॉर्म मोशन है, अगर आपको उसको रेस्ट में लाना है, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन को आप किस में लाना चाहते हैं? रेस्ट में लाना चाहते हैं। रेस्ट में लाने के लिए क्या रेजिस्ट करेगा? क्या? इनर्सिया। तो इनर्सिया किसका ज्यादा होगा? इनर्सिया हैवियर ऑब्जेक्ट तो उसका इनर्सिया ज्यादा है, इसीलिए 10 केजी बॉल जो है, 10 केजी मास की जो बॉल है अगर वो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए, कंपेरेटिवली 5 केजी मास की कोई बॉल है वो 50 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। तो इनर्सिया के बारे में ये क्लियर हो गया। ओके, यहां से ये इनर्सिया के बारे में हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हो गया। फर्स्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फर्स्ट लॉ का अगर सिंपल वे में अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट वांट्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल अनलेस ए एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स, जब तक कोई भी फोर्स आप इस पर नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। उसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या प्रॉपर्टी निकल के आई है? इनर्सिया। इनर्सिया के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, इनर्सिया क्या है, किस पे डिपेंड करता है इनर्सिया? ओके, मास पे डिपेंड करता है, हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर इज द इनर्सिया। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया एंड लॉ ऑफ इनर्सिया पढ़ लिया, इनर्सिया के बारे में पढ़ लिया, इनर्सिया क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम उसको रिलेट करना चाहेंगे, कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वॉल है, एक वॉल स्टोन की है, दूसरी वॉल जो है प्लास्टिक की वॉल है। किसकी वॉल है? प्लास्टिक की वॉल है। एक वॉल स्टोन की है, दूसरी प्लास्टिक की वॉल है, और हम क्या देखेंगे कि अगर दोनों वॉल की स्पीड, इसकी स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड है प्लास्टिक वाली वॉल की, और इसकी स्पीड भी 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अगर 50 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर प्लास्टिक वॉल आपको हिट करे अगर, और सेम स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर स्टोन वाली वॉल आपको हिट करे तो इंपैक्ट किससे ज्यादा लगेगा, किससे ज्यादा चोट लगेगी? इंपैक्ट मतलब एक तरह से चोट समझ सकते हैं, या फोर्स जो लगेगा वो किससे ज्यादा लगेगा, स्टोन से या प्लास्टिक से, सेम स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रही है? ऑब्वियसली किससे ज्यादा लगेगा? स्टोन वाली वॉल से जो इंपैक्ट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, इंपैक्ट जो लगेगा वो स्टोन वाली वॉल से ज्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे तो स्टोन और प्लास्टिक की वॉल थी, अगर अब आप ले लीजिए दोनों प्लास्टिक की वॉल है, ये भी प्लास्टिक की है वॉल और ये भी प्लास्टिक की वॉल है। ठीक है, ये भी प्लास्टिक की वॉल है, ये भी प्लास्टिक की वॉल है, ये 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ये वॉल जो है 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। दोनों वॉल आपको हिट करती हैं, ये वॉल पहले हिट करती है और दूसरी बार में ये वाली वॉल हिट करती है, किससे ज्यादा चोट लगेगी?
या फोर्स किससे ज्यादा लगेगा, इम्पैक्ट किससे ज्यादा लगेगा, 100 मीटर पर सेकेंड से जो बॉल आ रही है उससे इम्पैक्ट जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, है नहीं? इट मीन्स इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एक तरह का इम्पल्स या झटका या फोर्स, एक सडन फोर्स, ठीक है? तो इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो क्या है, इम्पैक्ट किस किस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब इम्पैक्ट जो है किस पे डिपेंड करता है, इम्पैक्ट जो है मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे स्टोन का मास ज्यादा था, प्लास्टिक का मास कम है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा इंपैक्ट ज्यादा, इसका मतलब इंपैक्ट इंपैक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड केस में क्या था, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा इंपैक्ट ज्यादा, यहां पे बॉल देखो मास दोनों का सेम था, इस प्लास्टिक ये भी प्लास्टिक की सेम साइज की बॉल थी और साइज दोनों का सेम है, यहां पे साइज दोनों का, यहां पे भी साइज दोनों का सेम था, तो यहां पे प्लास्टिक की साइज जो था बॉल्स का सेम था, मटेरियल भी दोनों का सेम था, ठीक है, इसका मतलब मास सेम था बट वेलोसिटी अलग अलग थी, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी उसका इंपैक्ट ज्यादा लग रहा था, इसका मतलब इंपैक्ट वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मास और वेलोसिटी को कोरिलेट करती है, एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास और वेलोसिटी को कोरिलेट कर रही है, मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मोमेंटम। जो मास और वेलोसिटी में रिलेशन दिखाती है, मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि देखिए यहां से मास और वेलोसिटी में कुछ रिलेशन मालूम पड़ रहा है, मास बढ़ा दे रहे हैं इंपैक्ट बढ़ जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हैं मास सेम रख रहे हैं तब इंपैक्ट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो मास और वेलोसिटी में रिलेशन रखती है उसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पूरी फिजिक्स में काम आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? 11th 12th उसके बाद इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कुछ फिजिक्स फिजिक्स पढ़ेंगे कभी, जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये काम में आने वाली है। मोमेंटम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोमेंटम प्रॉपर्टी इसको डिनोट करते हैं पी से, और इसका फार्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से हमें मोमेंटम मालूम पड़ गया, ठीक है? एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली मोमेंटम क्या होता है। अब देखिए हम सेकेंड लॉ, अभी अभी हमने सेकेंड लॉ के बारे में नहीं बताया, अभी सेकेंड लॉ स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हमने मोमेंटम के बारे में एक एग्जांपल लेके बताया। अब सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब करने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। एक कार है और कार की जो है बैटरी डिस्चार्ज है, तो क्या करते हैं हम लोग, कार को पीछे से पुश करते हैं, करते हैं, ठीक है? कार को पीछे से क्या करते हैं, पुश करते हैं, यहाँ पे ड्राइवर स्टार्ट करता है, फिर कार को पीछे से पुश करते हैं और थोड़ी दूर तक पुश करते रहते हैं इस कार को, उसके बाद में ये कार क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। होता है नहीं होता है ऐसा? बहुत बार ऐसा किया होगा, कार में पीछे से धक्का लगाया होगा या बाइक में पीछे से धक्का लगाया होगा, ठीक है? तो क्या होता है, अगर आप इस कार को थोड़ा सा पुश करिए, थोड़ा सा धक्का लगा दिए, छोड़ दीजिए, स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप इस कार में थोड़ी देर तक पीछे से धक्का लगाते रहिए, मतलब यहाँ पे धक्का लगाया, यहाँ पे भी धक्का लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक धक्का लगाते हुए आए हैं, मतलब कुछ टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम मतलब आपने 10 सेकेंड तक इसको धक्का लगाया तो कार स्टार्ट हो गई, आपने धक्का लगा के तुरंत छोड़ दिया तो कार स्टार्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, कार स्टार्ट होती है तो उसका क्या है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। इसका मतलब कार का क्या होगा, अगर स्टार्ट होगी कार तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी है,
क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, पहले वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी आ जाएगी जब कार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम धक्का देते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी बढ़ती है, पहले वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी जीरो थी, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। अच्छा मोमेंटम की एसआई यूनिट यहाँ से अगर देखें तो क्या होगी, मोमेंटम की एसआई यूनिट मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसकी डायरेक्शन भी जो मोमेंटम जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी तो पहले ही पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मास और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे मास तो कैसी है मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ओके ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या है वेलोसिटी चेंज हो रही है इस कार की, इसका मतलब क्या है मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है मोमेंटम चेंज हो रहा है, और देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब इस कार को पुश कर रहे हैं इसका मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स जो है वो कितनी देर तक लगा वो तभी तो कार वो मैटर करता है, कार को स्टार्ट करने के लिए ये चीज मैटर करती है कि अप्लाइड फोर्स कितनी देर तक लगा, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स कितनी देर तक लगा इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज जो है वो कितनी देर तक हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स जो है वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ओके देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कार को स्टार्ट करने के लिए हम कार पे क्या करते हैं जो फोर्स लगाते हैं वो थोड़ी देर के लिए लगाते हैं 10 सेकंड, अगर तुरंत लगा के छोड़ दिया कार स्टार्ट होती है नहीं, कार को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं थोड़ी दूर उसके साथ धक्का लगाते हुए जाते हैं, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए तब कार स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब आप जब जिस स्टेज में आप धक्का लगा रहे हैं यहां से यहां तक तो क्या हो रहा है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज, अगर आप धक्का कितनी देर के लिए लगा रहे हैं इसका मतलब मोमेंटम चेंज होने का रेट क्या है, रेट मतलब होता है कोई भी चीज पर सेकेंड निकालो उसको रेट बोलते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम चेंज किस रेट से हो रहा है, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉडी का वो किस रेट से हो रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द सेकेंड लॉ, ये क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट rate of change of momentum of any object is directly proportional to the unbalanced applied force, ये कैसा फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स ही है ना, इट इज अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, तो ये क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सबसे पहले चीजों को समझना है फिजिक्स में, डिफिनीशन तो वहीं से निकल के आ जाती है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो डिफिनीशन तो अपने आप ही निकल के आ जाएगी, डिफिनीशन में कुछ नहीं है, याद करना कुछ नहीं होता है फिजिक्स में, इन द फिजिक्स ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप डिफिनीशन ऑटोमेटिकली लिख देंगे, ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स,
इसका मतलब वही तो हमने लिखा था, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां से हम जो है मोमेंटम हमने पढ़ लिया है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू बी। अब हम जो है यहां से क्या करेंगे, यहां से जो है सेकेंड लॉ का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फार्मूला निकल के आता है, हम फार्मूला यहां पे लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला ड्राइव होके क्या आता है, फार्मूला हम यहां से लिखेंगे। तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स को मान लिया, सिंबल अप्लाइड फोर्स को दिखा देंगे एफ से, अप्लाइड फोर्स क्या है एफ, एफ क्या है अप्लाइड फोर्स, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मान लो, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है वो यू है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है टाइम टी के बाद, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल टू कितनी है वी है, टाइम टी के बाद जो है वेलोसिटी इसकी कितनी है वी है ऑब्जेक्ट की, ओके। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो, तो पहले इनिशियली मोमेंटम कितना होगा, पी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए कितना है एम, मास कितना है ऑब्जेक्ट का एम, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना होगा, पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू, एम मास है और यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम का फार्मूला यही तो था, मास इंटू वेलोसिटी यही फार्मूला था, तो पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू। टाइम टी के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी टू, पी टू हमें निकालना है यहां से, तो व्हाट विल बी पी टू, पी टू इज इक्वल टू एम इंटू वी, वी क्या है टी टाइम के बाद में जो वेलोसिटी है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मतलब बाद में कितना हो गया मोमेंटम और पहले कितना था, दोनों का डिफरेंस P2 माइनस P1 कर देंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, चेंज कितना हो गया, तो m इंटू बी एम बी माइनस एम इंटू यू, एम कॉमन ले लेंगे तो m इंटू बी माइनस यू, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब पर सेकेंड मोमेंट, मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा एम इंटू बी माइनस यू अपॉन टी, टाइम से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ओके। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां से हमने देखा अप्लाइड फोर्स एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है एम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ओके। अच्छा ये टर्म देखो जानी पहचानी लग रही होगी, कुछ ना कुछ याद आ रहा है कुछ इसको देख के, v माइनस यू अपॉन टी, वॉट इज दिस v माइनस यू अपॉन टी, किसका फार्मूला था ये, दिस वॉज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, लिख सकते हैं इसको। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी हम सिंबल हटाते हैं और उसको सिंबल की जगह हम इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, उस कॉन्स्टेंट को कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पर के बोल देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे यहाँ से और कांस्टेंट लिख देंगे क्या k, और बाकी को ऐसे लिख देंगे m इंटू ए, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया k m a, f इज इक्वल टू क्या आ गया k m a। यहां से k की वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है, k की वैल्यू कितनी होती है 1, k की वैल्यू 1 होती है, तो f की वैल्यू क्या आ जाती है f इज इक्वल टू m इंटू a, f इज इक्वल टू m इंटू a, यही जो है सेकेंड लॉ है, यही सेकेंड लॉ से फार्मूला निकल के आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू
एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये सेकेंड लॉ से निकल के आता है। ये फार्मूला कहाँ से निकल के आता है? सेकेंड लॉ से। अच्छा, इस यहाँ पे एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हैं, वही है ना एफ। तो यहाँ से एफ की यूनिट क्या होगी? एफ की यूनिट अगर देखेंगे तो मास की होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर फोर्स की एक यूनिट होती है जो किसके नाम पे दी हुई है? न्यूटन के, क्योंकि फोर्स को किसने निकाला था? फोर्स के बारे में आइडिया किसने दिया? न्यूटन ने। तो उनके नाम पे एक यूनिट रखी हुई है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ओके, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? इसका पूरी फिजिक्स का बेस है ये फार्मूला जो है, पूरी फिजिक्स का बेस है। बिना इसके कुछ होता ही नहीं है, बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिजिक्स में। ओके, तो एफ इज इक्वल टू एम ए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये फार्मूला याद रखना है। ओके, अब इसका थोड़ा सा हम इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ। इसमें हम अप्लाई करेंगे, अब फर्स्ट लॉ को हम प्रूफ करेंगे सेकेंड लॉ से, कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ से आया है? सेकेंड लॉ से। अब देखिए, फर्स्ट लॉ कहता था कि जब बॉडी रेस्ट में है तब बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, जब बॉडी मोशन में है तब मोशन में रहना चाहेगी, अनटिल अनलेस, जब तक आप उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते हैं। इसका मतलब जब अप्लाइड फोर्स जीरो है, व्हेन द एफ इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या है? वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर उधर, और इसका मतलब बी इज इक्वल टू यू आ गया। यहाँ से इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया? वी इज इक्वल टू यू का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, द फाइनल वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। यही तो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या था? जब किसी बॉडी पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। इसका मतलब इस केस में क्या है? जब बॉडी मोशन में है और अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। मतलब बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी विल रिमेन इन मोशन। बॉडी विल रिमेन इन मोशन। देखिए यहां से मोशन वाला पार्ट जो हो गया फर्स्ट लॉ का, वो यहां से क्लियर हो गया। सेकेंड, अगर अगर एफ भी जीरो हो और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो, एफ भी जीरो हो और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो, तो क्या आ जाएगा फार्मूला? तो फार्मूला क्या आ जाएगा? एफ ये जीरो हो गया, यहां से m इंटू टू बी माइनस यू अपॉन टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u की भी वैल्यू जीरो रख दो, तो क्या आ जाएगा यहां से निकल के? m इंटू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, m इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ गई? जीरो। यहाँ से कहने का मतलब देखिए, यहाँ से स्टेट रेस्ट वाली जो कंडीशन है यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। कैसे सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो भी जीरो है। अप्लाइड फोर्स क्या है? जीरो, नो अप्लाइड फोर्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट में है। When the body is in rest and the applied forces are zero, the final velocity will also be zero. When the body is in rest and the applied force is zero, the final position of the body will be rest only. Body will not move. मतलब body will remain at rest
when the applied force are zero, when the applied forces are zero. तो रेस्ट के केस में क्या है, बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मोशन वाली यहाँ से मालूम पड़ गई, जब बॉडी मोशन में है तो अप्लाइड फोर्सेस जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, और जब बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब अप्लाइड फोर्सेस जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ से वेरीफाई हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, रेट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटम चेंज होने का रेट अगर कम है तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, कम होगा। देखिए मोमेंटम चेंज का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई कैच लेते हैं, किसी बॉल को कैच करते हैं, तो बॉल क्या है, स्पीड में आती है, बॉल स्पीड में आ रही है, ठीक है। जब बॉल स्पीड में आती है तो आप क्या करते हैं, बॉल को एकदम से कैच नहीं करते हैं, क्या करते हैं, स्लोली 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 हाथ अपना पीछे ले जाते हैं। होता क्या है, जब बॉल यहाँ पे थी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, अगर आप तुरंत उसको कैच करते तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी ज़्यादा है तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में जब एकदम बॉल को रोक दोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब रेट जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा बहुत ज़्यादा होगा, पर 10 से एकदम जीरो पे हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से जीरो पे हो जा रही है, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एकदम से चेंज हो रही है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो होगा उस बॉल के द्वारा, जो बॉल जो अप्लाइड फोर्स लगाएगी आपके हाथों पे, वो बहुत ज़्यादा लगाएगी, इसीलिए आपको क्या होगा, चोट महसूस होगी। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आपको क्या लगेगी, चोट लगेगी। इसका मतलब इसीलिए हम हाथ को क्या करते हैं, धीरे धीरे पीछे लेके आते हैं जब हम कैच करते हैं, तो क्या है, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, बॉल की कम होती रहती है। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो बहुत कम होता है, इसीलिए अप्लाइड फोर्स भी कम लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सेकेंड लॉ का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुशन पे जब हम जंप करते हैं, कोई भी गद्दा है उस पे हम अगर हम जंप करें तो हमें चोट महसूस नहीं होती, लेकिन अगर हम फर्श पे जंप करते हैं, फ्लोर पे जंप करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, चोट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लिया किसी हाइट से आप जंप कर रहे हैं यहाँ से, और ये फ्लोर है, अगर यहाँ से जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एकदम यहाँ पे मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और सडन से जीरो हो जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर कुशन पे अगर आप जंप करते हैं, कोई कुशन है, ठीक है, जो प्रेस होता है, तो आप यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, धीरे 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 कुशन क्या होता है, प्रेस होता जाता है, धीरे धीरे प्रेस होता है, प्रेस होने की वजह से क्या है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। मान लिया यहाँ पे 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, फिर 4 हो गई, 3 हो गई, इस तरह से धीरे धीरे जाके जीरो हो जाती है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत कम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होने की वजह से ही क्या होता है, अप्लाइड फोर्स जो होता है वो भी कम लगता है जब आप कुशन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो ये यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं कार में आगे बैठ के। क्यों सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट और सडनली आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले वेलोसिटी मान लिया कार की कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है, सडन से आपको ब्रेक लगाना पड़ा, सडन से ब्रेक लगाना मतलब वेलोसिटी जीरो हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है 80 से वेलोसिटी एकदम जीरो आ रही है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो अप्लाइड फोर्स भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा आप पे, तो आप आगे की तरफ एकदम से जाएंगे, आगे की तरफ एकदम से जाएंगे तो क्या होगा, आप आगे हिट कर जाएंगे, इसीलिए आप क्या लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, जैसे ही आप आगे जाने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 आपकी वेलोसिटी को क्या करती है, कम करती जाती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए जो अप्लाइड फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, इसीलिए बोलते हैं भाई क्या लगाइए,
सेफ्टी बेल्ट लगाइए कार ड्राइव करते टाइम, ऐसी हेलमेट लगाते हैं जब हम बाइक ड्राइव करते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, ट्रैफिक पुलिस आपको क्यों बोलती है कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हेलमेट लगाने से भी जब कोई सडन एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, सडन एक्सीडेंट होता है, तो जब आप गिरते हैं रोड पे, आप जब गिरेंगे तो क्या होगा, आप जब गिरने वाले होंगे तो आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, साथ में मास भी है तो मोमेंटम होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हेलमेट लगाए हुए होंगे तो कोलिजन से पहले, टकराने से पहले क्या होगा, जैसे ही आप टकराएंगे तो कुशन बना होता है हेलमेट में, देखते हैं ना, कुशन बना होता है। कुशन वो क्यों बना होता है, मोमेंटम के रेट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कम हो, मोमेंटम के चेंज होने के रेट को कम करने के लिए। इसी वजह से जो फोर्स लगेगा आपके हेड पे, सिर पे जो आपके फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स कम होगा। ये एग्जांपल्स थे बहुत सारे कि अप्लाइड फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए यहाँ से। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं जो कंजर्व रहती हैं, कंजर्व मतलब जो खत्म ही नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो कंजर्व ही रहती हैं, तो उनके लिए कुछ लॉज दिए हुए हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता, तो कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, तो ऐसे कंजर्वेशन लॉज हैं, तो उसमें हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम मोस्टली जो है कवर करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। अगर ये आपको पसंद आया हो वीडियो, आपको लगे कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इफ़ यू थिंक, अगर आपको कुछ भी इसमें एडिशनल, अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ ऐड करना है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं या कुछ और टॉपिक मुझे कवर करने हैं, तो जस्ट लेट मी नो, कहीं पे भी आपको लगता है जस्ट कमेंट करके बताइएगा, उसमें आई विल ऐड दोज थिंग्स और उसको क्या है मैं सेपरेटली लेक्चर में कवर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।